बड़ी खबर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत का मामला है। आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करने वाला है। आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं। दो मामलों में आजम खान को पहले जमानत मिल चुकी है और देखिए अहम सुनवाई होने वाली है। आजम की जमानत पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दो मामलों में पहले जमानत मिल चुकी है। सपा विधायक आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगले हफ्ते का समय बताया जा रहा है जब आजम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्या और जानकारी इस खबर पर? अगर बात करें तो आज आजम खान के वकील के रूप में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस नागेश्वर राव के बेंच के सामने ये मेंशनिंग किया है कि आजम खान को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ 87 FIR दर्ज है जिनमें दो मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। चार मामले चल रहे हैं, बाकी मामलों में तफ्तीश अभी चल रही है, लिहाजा आजम के खिलाफ कोई इस तरीके से गंभीर आरोप निकल के नहीं आए। वो जनप्रतिनिधि है, उनको जमानत मिलनी चाहिए, ये अपील सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल ने की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते वो इस मामले को सुनेगा। जाहिर तौर से बात की जब सोमवार को कोर्ट की नई लिस्टेड आएगी उसमें अगर बात करें तो आजम खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनकी जो जमानत की याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट पे उस पर सुनवाई होगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है, क्या आजम खान को जमानत देता है या फिर जिस तरीके से अभी उनके खिलाफ तमाम सारे मामला विचाराधीन है तो उसी मामले में विचाराधीन में ही कार्यवाही तेज करने की बात कहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अगले हफ्ते सुनवाई होती है तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखती है और क्या कुछ कपिल सिब्बल आजम खान के वकील के रूप में अपना पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो सपा विधायक आजम खान की जमानत पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है और आपको बताएं कि दो मामलों में पहले जमानत मिल चुकी है।